देखिए आरजेडी दीवा स्वप्न देख रहा है, कभी भी अभी क्या कभी भी भविष्य में अगर दूसरी कोई सरकार बनती है, जनतंत्र में सरकार बन सकती है, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आरजेडी अब कभी सरकार में नहीं आएगा, इस बात को आरजेडी के लोग गांठ बांध कर रख ले। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से जीरो पर आउट हुए हैं और उन्होंने जिस तरह के अपना वजूद कायम करने की कोशिश की चुनाव में, जनता ने खारिज कर दिया, तो जिनसे उनके हाल के दिनों में मिलन हुआ है और तो जब मिलन होने के बाद अपना बयान दे रहे हैं अपनी प्रासंगिकता कायम करने के लिए, तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े बिहार के घटक दल के लीडर हैं और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी प्रसाद जी के आभा, उनके कमिटमेंट, उनके वचन पत्र के आलोक में ही बिहार की जनता ने स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर इनको बड़ी पार्टी ही नहीं बनाई बल्कि सत्ता परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका अदा किया। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने निर्णय सुनाए, भले ही जनादेश तकनीकी तौर पर उनके पक्ष में चला गया हो, पर जनता ने तो नीतीश कुमार जी को खारिज किया बाहर का रास्ता दिखाने के लिए और उसी खारिज दल के खारिज नेता, उसी खारिज दल के दूसरे जो हैं खारिज, दूसरे दल के खारिज नेता उसके समर्थन में कसीदे पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम होंगे कि नहीं होंगे बिहार की जनता तय करेगी, उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। अरे जीत, उनको तो एक भी नहीं जीत पाए ना, हमारे यहाँ तो 8-8 कुशवाहा विधायक बन के आए, तो उनकी वजूद कहाँ है? उनसे ज़्यादा उनके समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो अपने आप को एक थोड़ा बहुत इधर उधर कर करके स्वांग रच सकते हैं पर वो समाज है क्या? वो अपने वर्ग के भी नेता नहीं है। देखिए आरजेडी दीवा स्वप्न देख रहा है, कभी भी अभी क्या कभी भी भविष्य में अगर दूसरी कोई सरकार बनती है, जनतंत्र में सरकार बन सकती है, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आरजेडी अब कभी सरकार में नहीं आएगा, इस बात को आरजेडी के लोग गांठ बांध कर रख ले। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से जीरो पर आउट हुए हैं और उन्होंने जिस तरह के अपना वजूद कायम करने की कोशिश की चुनाव में, जनता ने खारिज कर दिया, तो जिनसे उनके हाल के दिनों में मिलन हुआ है और तो जब मिलन होने के बाद अपना बयान दे रहे हैं अपनी प्रासंगिकता कायम करने के लिए, तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े बिहार के घटक दल के लीडर हैं और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी प्रसाद जी के आभा, उनके कमिटमेंट, उनके वचन पत्र के आलोक में ही बिहार की जनता ने स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग कर इनको बड़ी पार्टी ही नहीं बनाई बल्कि सत्ता परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका अदा किया।